नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अलग अलग विषय पर वीडियोस बनाए, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए। आज मैं अपनी बात करना चाह रहा हूं और अपने चैनल, इसका नाम है इन्फर्नो। मैं शायद पहली बार अपने मुँह से इस मंच पर अपने चैनल का नाम ले रहा हूँ, और मैंने सोचा कि कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई ऐसा मुकाम हासिल करूँगा, तब इस चैनल का नाम मैं स्वयं अपने मुंह से लूंगा। आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सबने इस मुकाम तक मुझे पहुंचा दिया है कि YouTube की जर्नी जब भी कोई शख्स शुरू करता है तो उसका ये सपना होता है, या यूं कहें कि लक्ष्य होता है, कि उसका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, आज 50 वीडियोस पोस्ट करने के बाद और ठीक 155 दिन के बाद मेरा चैनल, आपका चैनल, आप सबके प्यार से जो चैनल खड़ा हुआ है, वो आज मोनेटाइज हो गया है। और YouTube ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और बड़ी प्रशंसा की है कि आपने अच्छा काम किया है। ये सब दोस्तों आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आइए आज छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं अपने इस चैनल के बारे में। दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं जुलाई में गया हुआ था लंदन अपने बेटे के पास, और वहीं पूरा UK जब हम लोग घूम रहे थे तो उस वक्त ये मन में विचार आया कि क्यों ना जो अपना मेन काम जो हम करते हैं, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूं तो डिज़ाइनिंग का मेरा मेन काम है, उससे जो भी समय बचता है तो क्यों ना YouTube में कुछ अपना समय बिताया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि दुनियादारी क्या है और दुनिया में कैसे कैसे घटनाक्रम हो रहे हैं। यही सोचकर ये प्रोग्राम जो YouTube का है मैंने शुरू किया था। और लौट कर जब मैं इंडिया आया तो उस समय G20 समिट का दौर चल रहा था, तो ये सोचा कि क्यों ना G20 समिट का जो परिचय है उसी से इस अपने चैनल की शुरुआत की जाए। तो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो G20 समिट का बनाया था, उसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब ये पहला वीडियो बना था तो कोई जानकारी थी नहीं कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और क्या क्या इसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कैसी लाइटिंग चाहिए होती है और स्टूडियो के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो बस यूं ही एक मोबाइल किसी जुगाड़ के ट्राइपॉड पे खड़ा करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया था। और धीरे धीरे जब ये यात्रा शुरू हुई, जब 2-4 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए गए तो ये और भी लोगों के रिएक्शंस आने लगे, आप लोगों के कमेंट्स आने लगे अपने चैनल पर, यूट्यूब पर, और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के मैसेज और बातचीत में भी ये काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया कि आप ऐसा ऐसा कर लें, जो जो वीडियोस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उन सब पे काफ़ी ध्यान दिया, और मुझे तो उस वक्त ये पता भी नहीं था कि यूट्यूब से कोई जो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं, इनका कोई पैसा भी मिलता है। तो लोगों ने, जब ये वीडियोस आने लगे तो लोगों ने इस बारे में भी अपनी राय पेश की और मैंने उस पर ध्यान दिया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपने चैनल का नाम जो इन्फर्नो है वो पड़ा कैसे था। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि कोई अच्छा सा, बड़ा कैची सा और कोई बड़ा मीनिंगफुल नाम जो है चैनल को दिया जाए, जो चैनल पे मैं काम करूंगा या जो चैनल पे वीडियोस डालूंगा, उस सबका जो रिफ्लेक्शन है उस नाम में आया। तो मैंने क्या किया कि ChatGPT से एडवाइस लेने की कोशिश की। तो ये देखिए, मैंने उस पर डाला था कि कोई नाम सजेस्ट करिए, यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जनरल नॉलेज की बातें, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बातें, इंटरनेशनल इवेंट्स की बातें। तो ChatGPT ने जो ये नाम है ये सजेस्ट किए थे। अनफॉर्चुनेटली जो ChatGPT ने नाम सजेस्ट किए थे वो उसमें कोई भी मुझे पसंद आया नहीं, अच्छे थे बट मुझे वो कोई क्लिक नहीं किया। तो मैंने अपने दिमाग में जो नाम था इन्फर्नो, INFERKNOW, ये मैंने सोच रखा था। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि ये नाम कैसा रहेगा, तो ChatGPT बड़ा खुश हुआ और उनका ये जवाब आया कि इस नाम को आप ज़रूर रखिए और ये बड़ा कैची नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। तो मैं सोच के चल रहा था कि ये नाम मेरे अपने दिमाग की उपज है, लेकिन जब इस नाम को रखा तो पता लगा कि इस नाम के 2-3 चैनल वहाँ और हैं, हालांकि वो बहुत एक्टिव नहीं थे, कोई 100-150 सब्सक्राइबर थे दोनों चैनल में, किसी में तो शायद 50 से भी कम थे। बट एनीवे, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपना हौसला भी नहीं छोड़ा और मैंने अपनी जो जर्नी है यूट्यूब की शुरू कर दी, और धीरे धीरे जो है वीडियोस पोस्ट करने लगे, आप लोग का समर्थन मिलता रहा, सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए और मेरा हौसला भी उसी हिसाब से बढ़ता ही चला गया। और पहले तो ये था कि किसी ने बताया कि कोई हरी वॉल पीछे बैकग्राउंड में होनी चाहिए, तो मैंने एक दीवार को हरा पेंट करा लिया
और फिर उसके हिसाब से जो है वीडियोस बनने लगे। बैकग्राउंड में मैं कुछ चेंज वेंज करता रहा एडिटिंग में, और फिर मुझे लगा कि मैं चूंकि यूट्यूब पे जो बाकी वीडियोस हैं बहुत सारे, उनको मैं एजुकेशनल वीडियोस को देखता बहुत हूँ, तो एक वो इंटरेक्टिव पैनल मैंने देखा, उसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं ये इंटरेक्टिव पैनल ले लूँगा तो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैंने किसी तरह से एक ये इंटरेक्टिव पैनल बढ़िया सा, जो सैमसंग का WAC सीरीज है, 75 इंच का जो ये इंटरेक्टिव पैनल है, मैंने इसको ले लिया, और फिर मैं वीडियोस बनाने के लिए इसका सहारा लेता रहा, इसकी मदद मिलती रही और काफी आसान हो गया मेरा काम ये इंटरेक्टिव पैनल आने के बाद। और जाहिर सी बात है वो जो हरी दीवार मैंने कराई थी उस पर मैंने जब इंटरेक्टिव पैनल लगा लिया तो दूसरे टाइप के वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास हरी दीवार नहीं थी। तो एक दिन, अब वो यूट्यूब का जुनून ऐसा होता है वीडियो बनाने का और जानकारी देने का कि फिर वो आपसे रहा नहीं जाता, तो आदमी जो है अधीर हो जाता, और मैं तो वाकई अधीर हुई। तो एक दिन क्या किया, जैसे मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मेरे लिए कोई पेंटर या कारपेंटर या कोई ऐसे जो मेरे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो वीडियो बनाना था तुरंत 1 घंटे में बनाना था, तो मैंने खुद अपने हाथ से ही उठा के ये दीवार जो है पेंट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह से ये चलता रहा सिलसिला, और आज काफी सही मैंने अपना स्टूडियो बना लिया है, इसमें लाइटिंग भी ठीक ठाक कर ली है और इंटरैक्टिव पैनल हो ही गया है, कैमरे का भी अच्छा इंतजाम हो ही गया है। और सबसे अच्छी बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि जो अपना चैनल है वो उस पर जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर, वो तो आप देख ही सकते हैं, बड़े अभिभूत करने वाले कमेंट्स होते हैं। कोई हमारा टर्किश व्यूअर है वो वहाँ से कमेंट कर रहा है, कोई टेंजानिया से कमेंट कर रहा है, कोई UK से कर रहा है, कोई US से, कोई सिडनी से, बहुत सारे देशों से, बहुत सारे देशों के बहुत सारे शहर हैं वहाँ से कमेंट्स आते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बड़ा प्रेरणा मिलती है कि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए जाएं, और उनकी एडवाइस भी आती है, उनकी सलाह भी मिलती है कि इन विषयों पर और इस तरीके से वीडियोस बनाए जाएं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों आपका चैनल जो है आज की डेट में लगभग लगभग 20 देशों में देखा जा रहा है, और इंडिया के अलावा जो इंडिया के शहर हैं उनके अलावा करीब करीब 40-50 शहर जो बाकी दुनिया के हैं उनमें देखा जा रहा है, और वहाँ से जब लोगों के कमेंट्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों के सहयोग से अब चैनल का आज की डेट में जो स्टैंडिंग है वो ये है कि लगभग लगभग 3350 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 5 महीने के अंतराल में, और एग्जैक्टली 50 वीडियोज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और इन 155 दिनों में जो मैंने वीडियोस अपलोड किए, जो मैंने रिसर्च की और जो मैंने तैयारी की वीडियोस डालने की, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और इसी का नतीजा है, आपके सहयोग प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है कि आज चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो ये एक मकाम है छोटा सा जो मैंने हासिल कर लिया है। आप लोगों का समर्थन अगर ऐसे ही मिलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं और आगे जाऊंगा, और मैं सोचता हूं कि अगर मैंने इस एज में आके इतनी जल्दी, मतलब 150 दिनों में या 155 दिनों में इस मकाम को हासिल किया है, तो और जो नए लोग हैं जो YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं उनके अंदर तो नया जोश और नया जुनून होगा। जो बच्चे हैं, जो यंग लड़के हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको तो निश्चित रूप से ही बहुत कम समय लगेगा जितना मुझे लगा है, और मेरी शुभकामनाएं उन सब के लिए जो अपना नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं कि आप लोग इसको करिए, और मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है कि आपका चैनल आगे बढ़े। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी बार ऐसा हुआ कि मैं आंदोलित भी हुआ, आक्रोशित भी हुआ, और अधीर तो मैं हूं ही, लेकिन आज मैं काफी आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ आपके प्यार से, और निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ। तो बस मैंने सोचा कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आप सबका आभार प्रकट किया जाए, आप सबको धन्यवाद दिया जाए, आप सबका आशीर्वाद दिया जाए। दोस्तों ये अपना प्यार और समर्थन इसी तरह बनाए रखिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा, जिनमें बहुत सारी जानकारी होगी, बहुत सारी रोचक बातें होंगी और बहुत सारे अच्छे तथ्य होंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि अपने चैनल को, इसका नाम है इन्फर्नो, इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।